आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा एफसी वर्सेस चेन्नई एनएससी के हाईलाइट के बारे में। आज मैच था उड़ीसा वर्सेस चेन्नई का एंड एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टार्ट उड़ीसा के लिए, 2-0 से मैच जीता है। एंड अगर हम मैच का डिटेल्स हाईलाइट का बात कर ले तो फर्स्ट हाफ अगर हम देख ले तो फर्स्ट हाफ उड़ीसा ने काफी हद तक डोमिनेट ही किया था। ज्यादा अटैक वो लोग कर रहे थे, ऐसे नहीं कि चेन्नई ने अटैक नहीं किया बट ज्यादा अटैक उड़ीसा के साइड से आ रहा था। एंड फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग देख ले तो स्पेसिफिकली रॉय कृष्णा, अहमद जाहू और जेरी लालरिंस वाला का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। जेरी एम उनका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। वैसे उड़ीसा में दो जेरी है, जेरी एम और जेरी एल, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड फर्स्ट हाफ के एकदम एंड मोमेंट में आके जेरी एम ने गोल किया, कमाल का गोल था एंड एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का फिनिश। गोलकीपर का कोई गलती है नहीं वहां पे और लाइक यू नो बहुत ही ज्यादा बढ़िया गोल था उनकी तरफ से। वैसे मैच 18 मिनट के बाद बंद हो गया था रेन के वजह से, नहीं स्टेडियम तो खैर फीफा एकदम फीफा के जितने भी रूल्स है, जितने भी प्रोसेस है, हर एक वे में ही बनाया गया स्टेडियम को उड़ीसा का भुवनेश्वर का जो स्टेडियम है। बट बेसिकली लाइटनिंग हो रहा था बैड वेदर के कारण, मैच को काफी लंबे टाइम तक, आधे घंटे के आसपास उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए मैच को बंद कर दिया गया था। बट फिर रीस्टार्ट भी हुआ एंड जिसके वजह से जो नेक्स्ट मैच है वो भी थोड़ा सा डिले हुआ है। बट कोई बात नहीं, मैच पूरा कंप्लीट हुआ एंड नो डाउट एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा मैच था। वैसे तो फर्स्ट हाफ में अगर हमने देख लिए तो मुर्तादा फॉल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर हम लोग अभी सेकंड हाफ में चले जाए तो सेकंड हाफ में मुर्तादा फॉल ने नो डाउट अपने आपको रिडीम किया। जो 2 साल से मुर्तादा फॉल का परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिप कर रहा है वो इस मैच में थोड़ा सा वो उठते हुए दिखाया एंड परफॉर्मेंस उनका काफी बढ़िया रहा है सेकंड हाफ में स्पेसिफिकली। फर्स्ट हाफ में उतना भी बढ़िया नहीं था, फर्स्ट हाफ में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसी की वजह से अहमद जाओ को काफी ज्यादा लोड लेना पड़ा था। बट सेकंड हाफ में मुर्तादा फॉल ने लिटरली बहुत बढ़िया गेम खेला। एंड फिर सेकंड हाफ में जब रॉय कृष्णा को सब्स्टिट्यूट किया गया, फिर डिएगो माउरिसियो एक प्रॉपर स्ट्राइकर, उनका गेम लाइक नेक्स्ट लेवल था। उन्होंने आके एकदम टॉप नॉच क्लासी फिनिशिंग, डिएगो माउरिसियो लेवल का फिनिशिंग किया है। एंड वैसे डिएगो माउरिसियो का एवरेज रिकॉर्ड है कि हर 28 मिनट में वो एक गोल करते हैं, तो ये रिकॉर्ड भी कमाल का है। एंड उनका सब्स्टिट्यूट बहुत ही बढ़िया तरीके से लोबेरा ने यूज भी किया था। चेन्नई की अगर बात कर ले तो ऐसा नहीं कि चेन्नई ने बहुत खराब गेम खेला, लेकिन चेन्नई का अभी भी वही प्रॉब्लम है जो उनका लास्ट सीजन भी था, फिनिशिंग को लेकर। लास्ट सीजन पीटर सिल्सकोविच थे, उनका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एज अ फिनिशर। इस साल कॉनर शील्ड्स को लाया गया, कॉनर शील्ड्स का भी परफॉर्मेंस आज के मैच में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि चांसेस तो चेन्नई ने काफी क्रिएट किया था। कॉनर शील्ड्स को ओपन हेडर मिला था, एक ओपन चांस मिला था, बट फिनिशिंग को लेकर कमी है। ओवरऑल अगर देख ले तो निंथोई मिताई का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, क्रिवेलारो ने काफी बढ़िया गेम खेला है। एंड एज अ सब्स्टिट्यूट निंथोई मिताई ने जो इम्पैक्ट डाला, डेफिनेटली उनको फर्स्ट 11 में शायद सोचेंगे आने वाले मैचेस में रखने के लिए। एंड सेकंड हाफ में एक और गोल करके उड़ीसा ने स्कोरलाइन को 2-2 कर, मतलब 2-0 कर दिया था एंड क्लीन शीट रहते हुए जीता है। अमरिंदर सिंह का भी बहुत बढ़िया लेवल का गोलकीपिंग, कुछ एकदम कमाल का सेव किया उन्होंने। एंड नो डाउट लोबेरा अगेन आईएसएल में वापस आ चुके एंड वो वापस आए एक बैंग के साथ, एक विन के साथ। एंड ओएन कॉयल डेफिनेटली हारा है उन्होंने मैच, बट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस हिसाब से कमबैक करते, क्योंकि डेफिनेटली ओएन कॉयल को भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद को लाइक करना, शेयर करना स्क्रीन में एंड अगर चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना एंड बेल आइकन दबाना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लगने के साथ तब तक के लिए बाय।